19 इंचेस का आपको डायमंड कट अलॉय मिल जाता है थार में, पूरा थार का कंपैरिजन करेंगे इस 5 डोर वाले का 5 सीटर का। और यहाँ पर पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आपको मिल जाता है, इंटीरियर आपको इस वीडियो में दिखाने वाले, तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना। तो राम राम मेरे सभी भाइयों को। तो भाई आज की वीडियो में जो हम पूरे आपको जो 5 डोर थार है जो काफ़ी ज़्यादा लीक्स आ रही है उसकी, तो पूरा इस गाड़ी का आज ओवरऑल रिव्यू आपको देने वाले हैं। ये मिल गई है और ये भाई जिसका चैनल है उनका भाई का नाम है दी कार शो, इस नाम से चैनल है, तो हमने वहाँ से वीडियो उठाई है। देखो हम किसी को ऐसा नहीं कि किसी को क्रेडिट देने में डरते हैं, हम फिर भी देते हैं, भाई ने वैसे भी नाम लिख रखा है वीडियो पे, तो भाई कोई हेट वगैरह मुझे मत देना और भाई को जाके सपोर्ट करना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी के फ्रंट से। तो भाई फ्रंट जो है ना अपनी पुरानी थार जैसा ही है, पर कहीं ना कहीं अब की बार इसमें जो लाइट दिख रही है ना मुझे थोड़ी सी मॉडिफाई दिख रही है, जबकि ताकि लोग बाहर से करा देते पर इसमें और ज़्यादा अच्छी लग रही है पहली वाली थार से। और इसमें आपको जो है रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है फ्रंट में, ताकि देखो 360 पूरा कैमरा मिलता है, समझ रहे हो, पूरी गाड़ी में। मतलब अब की थार में बहुत ही ज़्यादा चीज़ें चेंज करी गई है, बहुत ही ज़्यादा जो चीज़ें हैं ना जो लोगों को नीड थी वो इस गाड़ी में पूरा कंप्लीट पूरा कर दिया गया है। क्योंकि ग्रिल वगैरह भी देख सकते हो, थोड़ा पहली वाली थार से थोड़ा सा ग्रिल ना बाहर की तरफ है, फिर भी मतलब ठीक लग रहा है जो भी जैसा भी है। और ये गाड़ी मेरे हिसाब से रेड कलर वाली थार लग रही है, जिस हिसाब से थोड़ा थोड़ा इसका आपको रेड दिख रहा होगा। बाकी इंजन की बात करें तो आपको डीजल का 2.2 लीटर वाला मिल जाता है और पेट्रोल में आपको 2.0 वाला मिल जाता है इसका इंजन। बाकी और भी जब पूरी अच्छी तरह रिवील होगी सारे आपको प्राइस और सब कुछ चीज़ें पता लग जाएगी इस गाड़ी के बारे में। आप बाकी बात कर लेते हैं साइड से, भाई सच बताऊँ ना ये गाड़ी जो है जो रूबीकॉन वगैरह थे ना जितनी भी यार ठीक ठाक महंगी महंगी गाड़ियाँ कहीं ना कहीं टक्कर दे सकती है, क्योंकि इसका जो और ज़्यादा मतलब भाई इसके अलॉयज देखो यार, मतलब पुरानी थार से ना बहुत अच्छे अलॉय लग रहे हैं डायमंड कट, वो भी 19 इंच के, क्योंकि ज़्यादातर थारों में 17 या 18 तक इंच जो है 18 मिलते हैं शायद, हाँ कंपनी से, इसमें आपको 19 इंच का अलॉय मिलता है। तो इसमें कम से कम भी भाई जो जो बंदे 26 इंच 24 इंच लगाएंगे मॉडिफाई में, ये बहुत गदर लगने वाली है। पीछे से आप लोग देख सकते हो, पीछे से मेरे हिसाब से लाइट को भी चेंज किया गया अगर आप ध्यान से देखोगे, और बाकी ओवरऑल लुक जो है ना काफ़ी अच्छी लग रही है। और जब ये मॉडिफाई होकर निकलेगी ना, जितने भी मेरे भाई मॉडिफाई लवर मतलब मॉडिफाई करते गाड़ियों को, जब इसको करके बाहर निकालेंगे भाई ये गाड़ी ना मतलब तहलका मचाने वाली, इतनी बड़ी लगेगी ना जब चलेगी रोडों पे, इसके रोड प्रेजेंस मुझे देख के इमेजिन करके इतना अच्छा लग रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला है। बाकी देखो यार जो भी है गाड़ी ओवरऑल काफ़ी अच्छी लग रही है, इंटीरियर भी हम आप लोगों को दिखाएंगे तो बने रहना। मैंने आपको बोला लाइट थोड़े चेंज है और देख लेना। यहाँ पर आपको जो है डोर खोलने का ऑप्शन मिल जाता है। सबसे बड़ी बात जो काफ़ी भाइयों को दिक्कत होती थी कि भाई इसका जो है ना चाबी से खुलता था बाहर से, है ना, तो उतर के इसको खोलना पड़ता था पेट्रोल के लिए, बट अब आपको क्या है अंदर से ही बटन मिल जाएगा इसको पेट्रोल का, इसको खोलने के लिए आप बाहर से फिल करा सकते हो पेट्रोल और डीजल। और इसमें आपको सनरूफ भी देखने के लिए मिलती है, भाई सनरूफ जो है ना छोटी नहीं है, मेरे को लग रहा है स्कॉर्पियो एन से बड़ी ये सनरूफ है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है, थोड़ी प्रैक्टिकल भी होगी। मतलब यार ये वाली थार में आपको कुछ भी चीज़ की कमी नहीं होने वाली है, यहाँ तक कि इसका जो इंटीरियर है ना भाई पुरानी वाली थार से मुझे काफ़ी बेटर लगा है। देखो वो थार भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, जिनको शौक के लिए वो भी सही है, ये एक फैमिली कार भी कहीं ना कहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें आपको पता है पीछे भी डोर है ना, तो मतलब 5 डोर कार है, आप आराम से पीछे भी बैठ सकते हो, 5 बंदे इसमें आराम से बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, इतनी बड़ी लगती है। और आपको फील भी पूरा एसयूवी वाला आएगा, लगेगा कि हाँ आप किसी तगड़ी एसयूवी में, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस, देखो थार में स्कॉर्पियो में कॉन्फिडेंस आपको पता है बहुत अलग ही आता है, तो इस वाली गाड़ी में भी आने वाला है। पीछे आपको देखो स्पीकर दिया गया है, ऊपर आपको सनरूफ देखने के लिए मिल रहा है, जो कि यार ठीक है बढ़िया है, मतलब इतना है कि आप आराम से निकल के कोई भी अच्छा बंदा अच्छा मेच्योर जैसे भी 18+ आराम से निकल सकता है सनरूफ से। बाकी आपको इसका इंटीरियर दिखा देते हैं, भाई इंटीरियर देखो यार, टच स्क्रीन देखो इसका, मतलब क्या लग रहा है, मतलब लग ही नहीं रही अंदर से कि ये थार है, कहीं ना कहीं एसयूवी 300 इसको बोला जा रहा है उसका थोड़ा मैच हो रहा है। ऊपर से आपको जो मिरर है वो भी ऑटोमेटिक देखने के लिए मिल रहा है, जो कि भाई अब की बार इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है गाड़ी के अंदर। इंटीरियर देख लो, टच स्क्रीन देख लो, मतलब ओवरऑल इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसको बोला जाता है वो भी आपको डिजिटल देखने के लिए मिलता है, जो कि वो भी काफ़ी प्रीमियम लुक देता है अंदर से कि हाँ आप किसी गाड़ी में बैठे हुए हो। यार मुझे ये थार ना देखो ये मेरा ओपिनियन है, पहली वाली थार से काफ़ी अच्छी लग रही है इंटीरियर के हिसाब से भी, और वैसे भी काफ़ी चौड़ी लंबी होगी, ये भी आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है एक तरीके से, मतलब जो है डिजिटल मिल जाता है, और मतलब काफ़ी ज़्यादा देख के अच्छा लगा है। और आप लोग भी अभी से कमेंट करके बताओ कि आपको ये वाली थार कैसी लगी और कौन कौन मेरा भाई इस थार को बुक कराना चाहता है, तो कमेंट करके ज़रूर से बताना। अब यहाँ पर आपको इसका स्टेयरिंग दिखा देते हैं, स्टेयरिंग पे जो है ना आपको सारे कंट्रोल्स मिलते हैं स्क्रीन से लेके भी और क्रूज़ कंट्रोल भी, जो कि भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है पूरा स्टेयरिंग सच बताऊँ तो। मतलब यार आपको अंदर से पुरानी वाली थार से अच्छा प्रीमियम थार ना ये लगने वाला है,
जो कि यार मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है ऑटोमेटिक टाइप का, जैसे बटन दबाया सीधा गाड़ी स्टार्ट। और सबसे बड़ी बात जो मैंने बोली थी कि आपको जो है फ्यूल टैंक खोलने के लिए यहाँ पर अंदर ही बटन दिया गया, आप आराम से अंदर से खोलो, कोई ज़रूरत नहीं आपको उतर के उधर चाबी से खोलने की, और अपना फिल कराओ फ्यूल जो भी है। भाई इंटीरियर काफ़ी अच्छा लगा है मुझे, एक बार आपको बैक साइड से भी इसको दिखाएंगे। तो भाई पीछे आपको जो है रियर में एसी इवेंट मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आपकी गाड़ी काफ़ी गर्मी में भी अच्छी खासी जो है कूल मतलब बनी रहेगी, ठंड वगैरह अच्छी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई पीछे का स्पेस देख लो, कितना अच्छा खासा स्पेस आपको इसमें मिल जाता है आराम से। अगर आप लोग सिस्टम भी इसमें फिट कराओगे, बेस ट्यूब वगैरह जो भी आपको रखवाना है, सब वूफर वगैरह वो भी करा सकते हो, फिर भी आपका स्पेस बचेगा। और भाई पीछे से भी इंटीरियर काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप मुझे ना ये पीछे से देखने के बाद जब इसको इंटीरियर दिखाया जाएगा ना पीछे से, जब पता लगता है कि ये डुअल टोन का इंटीरियर है, क्योंकि इसमें आप लोग देख सकते हो ब्राउन और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में क्या ही प्यारा लग रहा है। देखो इसमें टच स्क्रीन नहीं है, अभी उस वाली में था, बहुत सारी थार खड़ी थी आपको पता है, तो आपको हर एक चीज़ इसमें भाई ने दिखाया है। तो भाई फिर भी बहुत ही बढ़िया लग रही है गाड़ी जो बात है। तो भाई आपको वीडियो कैसी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप हर एक अपने भाई को जो भी आपके फ्रेंड्स हो उसको इस वीडियो को जरूर से शेयर करना, उनको पता चले कि फाइव डोर थार ऐसी दिखने वाली है। मुझे तो भाई बहुत ही गदर लग रही है, और जब ये मॉडिफिकेशन इसकी कोई करेगा, अलॉय टायर्स डलवाएगा, भाई जब ना ये आग लगा देगी मार्केट में, जो भी सबसे पहले इसका ऑनर बनेगा ना फाइव डोर थार का, सच बता रहा हूँ उसको एक अलग ही रिएक्शन मिलने वाला है। तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।